वोट लेगा और अडानी अम्बानी की गोद में बैठ जाएगा। किसानों को लाभ हो रहा है, कागजों में दिखा रहे, वहां से आमदनी दुगनी कर दी। भैया बात तो तने ऐसी बूझ ली, जब तक गवर्नमेंट हमें रोकेगी और हमारे कानून वापिस ना करेगी, जब लोग हम जाने वाले तो है ही ना। अब या तो इसके ऊपर है, या हमने 10 दिन और रखा है या 50 दिन रखे, इतने या कानून वापिस नहीं करेगी, इतने यो किसान जानी। अब एक काम और हमने चालू कर दिया, अब इनका कोई भी कैंडिडेट किसी भी गांव में जागा तो उसके गले में जुत्या की माला गलेगी और आला गोबर उसके ऊपर। जो इनका कैंडिडेट गांव में जागा भाजपा का, उसके गले में जुत्या की माला गलेगी और आला गोबर लेके युवा उसके ऊपर फेंकेंगे, वो उसका सत्कार करेंगे। हाँ, हर गांव में पूरी तैयारी, प्रैक्टिकल भी कर लिया। एक छुर गांव में एक विधायक गया था, एक 13वीं थी, बिना चिट्ठी के बिना बुलावे के तो गया। फिर वो वहाँ पहुँच गया, जब मुझसे चला लोगों ने बात नहीं करी, कुछ देर बाद बैठ के वो चल दिया। तो गांव के जो युवा थे वो थोड़े लुक के बाड़े में पहुँच गए, उन्होंने सबने जो अल्ले गोसे पत्थे हुए थे वे उसके मारे और उसने कही कि ये फूल है, तेरा स्वागत। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भाई तुम ये कह रहे हो ना कि वोट किसे दोगे, वोट तो हमने ठीक जगह दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच में बहुत बड़ा वाला एक्टर आ गया है। हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, हमने चाय वाले को वोट दिया था, हमने जो है ना गरीब माँ के बेटे को वोट दिया था, हमने जो 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 तपस्या करके आया ना 35 साल, उसे वोट दिया था। पर मुझे ये पता नहीं था कि अक्षय कुमार से बड़ा वाला भी एक्टर है, वोट लेगा और अडानी अम्बानी की गोद में बैठ जाएगा। भैया वोट इस बार गलत हो गया, अब की बार गलत नहीं होगा जनता का, वोट चाहे किसी ने भी दिया हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसने हमारे साथ एक्टिंग की। अब ये कंगना रणावत और अडानी अम्बानी के गोद में बैठा है, इसलिए वोट हमने ठीक जगह दिया था, पर एक्टर पल्ले पड़ गया हमारे। अब की बार एक्टर को नहीं, अब की बार किसान का बेटा कोई देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और देश का प्रधानमंत्री होगा, ये बता दूं मैं। भाई यू कह 70 साल में कांग्रेस ने यू कर दिया और लूट का खा के वो कर दिया। भाई कुछ है, यू देख लो 70 साल पहले देश कहाँ था, हड़कंद है। अरे सुन जाओ भाई, ये इनका सवाल यू बहुत दिनों तक है, 70 साल तक कांग्रेस ने करा के। हालांकि हम यू नहीं कहते, कांग्रेस ने किसानों के लिए सारा कुछ कर दिया, पर जो कुछ करा थोड़ा बहुत कांग्रेस ने करा। पहले हमारे देश का किसान कंधा हल ठहके मेरे देश की धरती सोना उगले और हड़के पीछा जा था उस दिन तक बिजली नहीं कहीं थी भाई, हड़कता पानी चला था 70 साल तक। इब लोग का जी बिजली आई, बिजली किसने अनवाई हमारे खेत लो, सब जगह लाइन किसने पुछवाई कांग्रेस ने, उसे सब भूल गए। कुछ नहीं करा भाई, उसके बाद में जॉन डियर ट्रैक्टर आ गए, इतने बड़े बड़े सोना लिखा फार्म ट्रैक खुलाने ढीकड़े, वे कहाँ था ये उसने चलवाए? कहीं ना तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये फोन कहाँ था ये भाई? 70 साल तक कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, कुछ नहीं करा भाई, यू हो रहा है कहाँ तक है, हमें यू समझा दियो भाई एक बार। रही बात है नहीं बात और तुम पूछते हो बुझो नहीं, और बात कहने का मतलब यू है, 70 साल में हुए का चौधरी बना का दे दिया एक मारे भाई, जाटों में या कहीं में भी कह लो कहावत हो, अब हुए का चौधरी बन गया। हुए का चौधरी कैसा बना भी पता मोदी? अब मारे बाप दादा तो कुमत्ते मर गए, और जो कर बाप दादा कुमत्ते मर गए नहीं, अगर अपने जाकत जा मारा जाकत बड़ा होगा क्यों चौधरी बना दिया भाई, उन्होंने तो हड़ चला चला का कुमार जमीन मोल ली, किसी पता कुछ करा इन्होंने के करा, ये तो देश को यहाँ लो ठहला है भाई 70 साल में, ये तो ठहक लाए इन्होंने 2014 था बाद में सारा सौदा बेचना जो करा ठेके पर, निजीकरण सारा सौदा धरना शुरू कर दिया उल्टा। लाल किला का यार डालमिया को दे दिया भाई, क्यों दिया उसे, इनमें करने खाने की अक्षमता नहीं है भाई, जो कमजोर होगा ठेके पर धरती अपनी वो ही तो देगा। सिर्फ हमारे कंधे मजबूत है, हाड़ मजबूत है, हमारे पास सारे साधन है, क्यों दे रहे भाई उसे।
क्यों दे दिया ठेके पे? इसका मतलब क्या बैठा था? अरे अपने यहाँ के किसी को देता जी देना ही था, बाहरी कंपनी को आया और दे दिया। जो दिखाया रेलवे पर लिखवा दिया अडानी रेलवे। क्यों भाई, भारतीय रेलवे को अडानी रेलवे क्यों बना रहे ये? बिजली विभाग था यू मारा पराई, यूपी सारे का सारा निजीकरण कर दिया, प्राइवेट में ठोक दिया। इसका कोई मतलब नहीं बैठा था, प्राइवेट वालों को देख है अगवे दुगुना तिगुना बिल फुलाणी या पेनल्टी हुआ पेनल्टी किसान को मारने का ऐसा बहुत बना दिया, छोटा नहीं कहीं का भी है। कर्जा होगा रे, कर्जा मारे हमने लिया थोड़ा है यार, यू किसान पर कर्जा है, इन्होंने क्यों नहीं वो करा? क्यों नहीं आज लोग का इसकी ना तो कुछ बढ़ाई ना कुछ वो करा? किसान का कर्जा भी इन्हें तो दे दिया ये पता नहीं 10-10 करोड़ रुपए, उद्योगपतियों को मारे 1 लाख रुपए पर भी, 1 लाख रुपए पर भी चौथी 2 महीने गैल पेनल्टी लगनी शुरू हो जा भाई। अपनी जमीन डरेंगे हम, वे कौन सा भाई अपने जो उद्योगपति है फैक्ट्री कहीं अपनी माँ के पेट में तो लेकर आए थे हैं? हम तो हमारे बाप दादा तो मामा जमीन दे भी गए, वे भी तो यहाँ चोर बाजारी करके उस पर ही उसी पर ही दे रहे वहीं के वहीं उन्हें लोन जा दे रहे, वे तो अपनी को जड़ा फुका दे गए अगर लोन माफ भाई उनका तो। यहाँ हमारी खेती लूट जाओ, ओले पड़ गए सब खत्म ना कुछ। और मारे पता फसल बीमा योजना लग गए लेन, वहाँ जाकर देखे बैंक में तो पैसे कट रहे, योजना का लाभ तो हो रहा कागजों में हो रहा भाई, किसानों को लाभ हो रहा कागजों में दिखा रहे, वहाँ से आमदनी दुगनी कर दी। आमदनी दुगनी करने का यू बताइयो भाई, हमें भी ढंगे एक बार थारे तभी पूछू कि उस दिन तक 2014 तक यह सरकार आई डाई का कट्टा हमें 800-850 रुपए का मिल जा रहा था, जिसे DAP कहता है भाई, यू आज 1300-1350। इन्होंने एक और झूठ चलाया मोदी ने भाई, मैं भी देख रहा वीडियो क्या अग भाई, हमने चौधरी चरण सिंह जी ने कभी खाद के रेट घटाए होंगे, इन्होंने कर दिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री ऐसा मैं बना अग जिसने रेट घटाए, बस देख लो कुकर उसी में तो हमारा 5-7 किलो वजन घटाया गया, 50 किलो के कट्टे को कर दिया 45 का, और रेट घटा दिए। रेट कितने? अरे रेट घटाए कितने, 20 रुपए खाद गया खत्म, 5 किलो हमारा 80 रुपए का, कर लो बात इनता भाई। तू बता दे जी लिया तो इन्होंने क्यों लिया, इन उद्योगपतियों की लिया क्यों लिया यू कर्जा? अरे कुछ किसानों की लिया करा होता उस दिन तक एक भी रपा तो इन्होंने गंडे पर नहीं बढ़ाया। जो हमारी जीरी इस इब तभी 7-8 साल पहले 3400-3500 बिकी थी, वह इब का 1800 कटी और वह भी 11-21 जिसे तुड़ल बासमती बरी का अनाज का है।